हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, क्या आपने कभी नारियल तेल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके यूज़ किया? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मैं अश्योर करती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको यूज़ करना पसंद करोगे, क्योंकि दोनों ही इन्ग्रीडियंट हम सब ने कभी ना कभी यूज़ किए होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे स्किन के लिए। सिंगल सिंगल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये इंग्रेडिएंट नारियल का तेल का यूज़ करते हो, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हमारी स्किन में चिपचिपे होने के कारण बहुत इरिटेट फील करती है, जिसके कारण हम इसको सिंगल नहीं यूज़ कर पाते। तो क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके या फिर दोनों प्रोडक्ट को आप मिक्स करके अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। जैसे कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों को, उनको कोई मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है तो स्किन से ऑयल वगैरह निकलता रहता है। गर्मियों के दिनों में स्किन में रैसेज आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, सनबर्न हो जाती है, स्किन में डार्कनेस आ जाती है। एंड इसके अलावा स्किन कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, यानी स्किन में जलन जैसी होती है। तो इन सारी कंडीशन को इन दोनों का सोल्यूशन ठीक करता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तो आपकी स्किन में अगर दाग धब्बे हैं, सनबर्न है, सन रैसेज है, इसके अलावा स्किन में रिंकल फाइलेंस का अपीयरेंस आपको समय से पहले दिखना शुरू हो गया, यानी इसके और 30 और 35 के दिखते हो, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा कारगर है। जी हाँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन एक एंटी एजिंग सीरम के तरीके भी वर्क करता है। तो चलिए देख लेते हैं इस सोल्यूशन को किस प्रकार बनाना है। तो इस सोल्यूशन को बनाने के बाद मैं आपको इसके बेनिफिट भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नारियल का तेल लेना है आधा चम्मच। क्वांटिटी का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। आधा चम्मच नारियल का तेल लेना, एक चम्मच भर के एलोवेरा जेल लेना। आप एलोवेरा जेल प्लांट बेस्ड भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, मार्केट वाला। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन को ज़्यादा मात्रा में बना के रखना चाहते हो तो आप मार्केट वाला ही लीजिए, क्योंकि जो घर वाला होता है उसको हमें स्टोर करते हैं तो ख़राब भी हो सकता है, इस वजह से। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना। जब आप इसको मिक्स करोगे देखोगे ये जो सोल्यूशन है एलोवेरा जेल और नारियल का तेल, ये वाइट कलर के सीरम क्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कि एक बटर वाली सीरम क्रीम या बटर होता है उस टाइप का, उस टाइप की कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी बना के रख सकते हो। तो उसके बाद अब ये सोल्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया। अब आपको इसको यूज़ किस प्रकार करना है, वो सिंगल इंग्रेडिएंट के क्या बेनिफिट हमारी स्किन को होते हैं या इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं नारियल का तेल बहुत ठंडी तासीर का होता है, काफ़ी ज़्यादा हल्का ऑयल होता है। गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नारियल का तेल है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होती है, एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी स्किन में अगर मुहासे, पिंपल्स, दाने वगैरह की कंडीशन है उसको ठीक करता है। अगर किसी भी प्रकार की इरिटेशन, इन्फेक्शन वगैरह है तो, क्योंकि किसी भी प्रकार का डैमेज है तो उसको भी ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। इसके साथ ही साथ विटामिन ई हमारे स्किन में न्यू सेल्स को बनने में मदद करता है। तो सेकंड बात करते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक ऐसा औषधि पौधा है जिसका यूज़ बहुत पुराने, यानी तकरीबन 5000 साल पुराने आयुर्वेदिक समय से हो रहा है। यानी इसको एक आयुर्वेदिक औषधि आप कह सकते हो, जिसका यूज़ कोई नया नहीं। इसका यूज़ हमारी दादी नानी और पुराने समय की जो रानियां हुआ करती थी अपनी स्किन के लिए किया करती थी। आज भी बात की जाए तो हर एक क्रीम, लोशन, हेयर केयर, स्किन केयर, किसी भी फेशियल किट, आप किसी भी प्रोडक्ट, मार्केट वाले प्रोडक्ट में अगर आप देख लोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो उसमें एलोवेरा जेल का यूज़ होता ही होता है। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हमारी, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है हमारी स्किन को, जो कि डीपली नरिश करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि स्किन से मुहासों को ठीक करती हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं उसको ठीक करता है, स्किन के दाग धब्बों को रिड्यूस करता है। तो जब हम इनको मिक्स कर लेते हैं तो इसके जो पावर है या इसकी जो क्षमता है कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसको हमें किस प्रकार अप्लाई, चाहो तो इसको एक मॉइस्चराइज़र के तरीके सुबह शाम अपने चेहरे में अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है। कोई भी आपको मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता या फिर आपकी स्किन में अक्सर जलन वगैरह रहती है, तो आप इस सोल्यूशन को बना के फ्रिज में स्टोर कर दें एंड सुबह शाम आप इसको चेहरे में यूज़ करिए। इसकी इन दोनों प्रोडक्ट की जो तासीर है ठंडी होती है, हमारी स्किन को सूदन करता है यानी ठंडक पहुँचाता है। हाँ, तो उसके बाद
आपको दूसरा तरीका मैं बताती हूँ उसको किस प्रकार यूज़ करना है अगर आप अपनी स्किन की दूसरी कंडीशन को ठीक करना चाहते हो। रात में सोने के पहले सबसे पहले अपने चेहरे को फेस वॉश करें, उसके बाद किसी क्लेंजर से चेहरे का मेकअप, धूल मिट्टी, गंदगी उसको अच्छे से रिमूव करें। याद रहे कि चेहरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मेकअप या धूल मिट्टी चेहरे में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो हम यूज़ कर रहे हैं आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं। उसके बाद इस लोशन को लेना है या सीरम को लेना, पूरे चेहरे में अप्लाई करके मसाज करना तब तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखो कि ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 20 मिनट बाद आपको इसको कॉटन से साफ़ कर देना है। अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर सुपर ड्राई या फिर नॉर्मल है तो पूरी रात के लिए आप इसको चेहरे पे छोड़ सकते हो। बार आप इसको 7 दिन लगातार इसको यूज़ करके देखिए। ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी स्किन को कुछ नहीं सूट करता तो पहले मेक श्योर पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए खास करके इस सॉल्यूशन को यूज़ करने के पहले आप इसको फ्रिज में जरूर स्टोर कर दीजिए। उसके बाद मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।